बहन मायावती को लेकर सूरज एंगड़े ने दे डाली खुली चुनौती, सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर और अपनी किताब कास्ट मैटर्स को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर होने वाले डॉक्टर सूरज एंगड़े, इन्होंने बहन मायावती को लेकर एक बड़ा आह्वान कर डाला है। आखिर सूरज एंगड़े ने बहन मायावती को लेकर क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से एक बड़ी चुनौती देने का काम सूरज एंगड़े इनके पाले से किया गया है। बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर सूरज एंगड़े इसी के साथ साथ अपनी किताब कास्ट मैटर को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपनी पहचान सूरज एंगड़े ने बनाई है, जो बहुजन समाज से आते हैं, और इसके साथ साथ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लेकर लगातार उनकी तमाम बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया अपने ट्विटर हैंडल से वो शेयर कर रहे हैं, ऐसे में आज ऐसी तमाम बातें सूरज एंगड़े ने लिख डाली है जिसको लेकर अब सुर्खियां बन चुकी है। क्योंकि सूरज एंगड़े ने जो दावा किया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं तो पूरे विश्व के तमाम खासतौर पर नारीवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को और तमाम बहनों को देने का काम किया है। क्या कुछ कहा है सूरज एंगड़े ने, तमाम चीजें आपके साथ में साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहन मायावती को खासतौर पर लेकर किस तरीके से एक चुनौती तौर पर देने का काम सूरज एंगड़े ने किया है। तो तमाम वो ट्वीट आपके साथ में साझा कर दूं, उसके बाद में इस पूरे के पूरे मसले पर हम आगे चर्चा करेंगे। सूरज एंगड़े इनका ये मानना है कि ओपन कॉल फॉर फेमिनिस्ट सिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मायावती इज द वुमेन एंड अ लीडर कंटेस्टिंग अगेंस्ट पावरफुल फेडरल कास्टिस्ट फोर्सेस, प्लीज टेक नोट फॉर हर लीडरशिप, और इज योर फेमिनिज्म ओनली टू क्रिमिनलाइज दलित मैन एंड फाइंड फॉल्ट इन देयर एग्जिस्टेंस। तो यहां पर जो बड़ी बात सूरज एंगड़े इनके पाले से की गई है, इसके साथ साथ आखिर में इन्हें तमाम बड़ा सवाल भी उठाया है। तो सूरज एंगड़े ने तमाम जो बातें अपने ट्वीट के जरिए कहने का काम किया है और जो आवाहन किया है वो आपको एक सादे शब्दों में आपको मैं साझा कर दूं, जिसके कारण इस पूरे के पूरे ट्वीट को आप आसानी से समझ पाए। यहाँ पर सूरज एंगड़े ने कहा है कि भारत नहीं तो भारत और विश्व की जो नारीवादी महिला है उनके लिए खुला आवाहन है क्या कि बहन मायावती एक महिला है, और इसके साथ साथ तमाम इस देश में जो शक्तिशाली सामंती और जातिवादी जो ताकते हैं इनके खिलाफ लड़ने वाली वह नेता है, और इनके पूरे के पूरे नेतृत्व पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ सूरज एंगड़े आगे सवाल उठाते हैं, क्या आपका जो नारीवाद है वो केवल दलित पुरुषों को अपराधी बनाना और उनके अस्तित्व में दोष ढूंढने वाला है। तो यहाँ पर जिस तरीके से सूरज एंगड़े ने बहन मायावती को लेकर जो कुछ कहा है, जहां पर उन्होंने आह्वान देते हुए कहा है कि देश के और पूरी दुनिया के तमाम नारीवादी जो बहनें हैं उनको बहन मायावती के तौर पर जो एक महिला है ये जिस तरीके से बहुजन राजनीति कर रही है, इस देश के अंदर में भारत में जो जातिवादी सामंतवादी विचारधारा रखने वाली जो ताकतें काम कर रही है इनके खिलाफ लड़ने वाली वो एकमात्र नेता नजर आती है, और इनके पूरे के पूरे नेतृत्व पर ध्यान देना चाहिए और इसका जो मंथन होना चाहिए। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने राजनीतिक सफर को एक ऐसे दौर में शुरू किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिस दौर में इस देश के तमाम महिलाओं को अपनी जो घर की दहलीजों को भी लांघना कहने की उसकी अनुमति नहीं थी, ऐसे दौर में बहन मायावती ने अपने घर के दहलीजों को लांघकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया वो अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसको लेकर जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा वो संघर्ष का दौर रहा होगा जहां पर माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर में 4200 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक और राजस्थान और गुजरात से लेकर तो अरुणाचल प्रदेश तक जिस तरीके से पूरे पूरे भारत में तमाम बहुजन समाज को जोड़कर इस देश के अंदर में ऐसी ताकत को निर्माण कर दिया जहां पर बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने समझने के लिए कहने के मजबूर हो चुका था कि हम भी राजनीति कर सकते हैं, हम भी इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। और ऐसे दौर में जब माननीय कांशीराम साहब ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बहन मायावती को चुना और उनके उम्मीदों को जिस तरीके से बहन मायावती ने शत प्रतिशत
खरे उतरते हुए साबित हुई है और आज इतने वर्षों के बाद में भी बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक मजबूत नींव की तरह खड़ी है, जहां पर वो तीसरे नंबर के राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर दिखाई पड़ती है। और ऐसे में इस 2024 के चुनाव की अगर बात करेंगे, जहां पर आप देख पाएंगे कि एक तरफ एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों बहुजन समाज को उनका प्रतिनिधित्व कभी देना ही नहीं चाहता। वो मनवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करता हुआ पिछले 10 वर्षों से नजर आता है। ऐसे में जहां पर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, इस इंडिया गठबंधन के जरिए शुरुआती दौर से ही यही देखा गया, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को किसी भी तरीके से इस इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कोई भी न्योता नहीं दिया गया। ऐसे में ये पूरा का पूरा जो इंडिया गठबंधन, ये दलित और मुस्लिम विरोधी साबित होता है, जिसको लेकर पिछले वर्ष ही बहन मायावती ने जून में ही कह दिया था कि ये जो इंडिया गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। और जनवरी 2024 आते आते जिस तरीके गठबंधन में बड़ी फूट पर कर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में अकेले ही लड़ने की बात करने लगे, इस तरीके से ये साबित होता है कि बहन मायावती कितनी बड़ी दूरदृष्टि रखती है, जो जहां पर एक बड़ी राजनेता के तौर पर वो इस देश के अंदर में बहुजन समाज की एक सशक्त और महिला के तौर पर और बहुजन समाज के नेतृत्व के आधार पर जो उनकी राजनीति चल रही है, वो अपने आप में आज लोहा जिसका लोग मानते हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राजनीति और बहन मायावती की कहने के पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए सूरज एंगड़े ने ये बड़ा आह्वान और चुनौती किया है कि तमाम नारीवादी विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, वो बहन मायावती की राजनीति को और देश में चलने वाले तमाम सामंतवादी जातिवादी विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ में जो अकेली लड़ाई लड़ते हुए नजर आती है, इनके पूरे के पूरे नेतृत्व पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में इस देश के अंदर में चलने वाली बहुजन राजनीति को भी हमको बारीकी से देखना चाहिए। आखिर में सूरज एंगड़े सवाल उठाते हैं कि जो नारीवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, क्या इनका जो नारीवाद है केवल उन पुरुषों तक ही सीमित है जो कहने के उनके नजरिए के तौर पर एक आपराधिक है, या फिर जिनका वो अस्तित्व ही उनके अस्तित्व रहने के पीछे वो दोष ढूंढते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से सूरज एंगड़े जो रिसर्च स्कॉलर है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में, इसके साथ साथ पूरे दुनिया में उनके लिखान को पढ़ा और सुना जाता है, इनके माध्यम से बहन मायावती को लेकर जो कुछ बड़ी बातें की गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।